गीता भगवान में तहे दिल से आप लोग सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी पत्ते की पराठा। तो पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ इसका पराठा जो मैं पीस करके बनाई थी मेथी पत्ता को। आज मैं मेथी पत्ता को ऐसे ही काट करके आटे में गूंथ करके बनाऊंगी। इसके मैं ली हूँ 250 ग्राम मेथी पत्ता, जिसको मैं वही मैं काट करके इसको धो के 2-3 पानी से रखी हूँ छान करके। 8-10 हरी मिर्च जो मैं इनमें बारीक करके चॉप करके काट कर रखी हूँ, और 8-10 कलियाँ लहसुन मैंने उसका पेस्ट बना के रखी हूँ दरदरा कर, और नमक और घी और आटा मैं ली हूँ जो आटा गूंथने के लिए। जैसा आपको आटा लगे उस तरह से आपको आटा लेना अंदाज से। अब देखिए मैं आटा गूंथना शुरू करती हूँ। पहले आटा ली हूँ, आटा में मैं पहले मेथी पत्ता को मिक्स करूँगी, हरी मिर्च लहसुन जो मैं कूच करके रखती हूँ उससे, 2 चम्मच देखिए मैं घी वहीं पर दे रही हूँ। घी डाल करके गूंथने से आटा ज़्यादा अच्छा खास पराठा अच्छा खस्ता बनता है, नरम बनता है। नमक अब स्वाद अनुसार लेना। बस इसको सब चीज़ मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करके एकदम सख्त रोल लगाना है, एकदम सख्त आटा गूंथना। जितना भी आटा सख्त रहेगा उतना ही अच्छा पराठा बनेगा। क्या है कि मेथी पत्ता में मॉइस्चर रहता है, वो पानी छोड़ेगा तो फिर आटा गीला हो जाता है। तो कम से कम पानी डाल करके इसको गूंथना एकदम सख्त। आटा देखिए खोल कर मैं देख रही हूँ, आटा देखिए एकदम सख्त तो बने टो हो गया। मैं इसको आधा घंटा रेस्ट में दे दी थी, अब मैं पराठा बना करके दिखाऊँगी। चलिए पराठा बनाना शुरू करती हूँ। बस फिर मैं 1 लोई आटा ले रही हूँ। तवे को मैं चूल्हे पर चढ़ा दी हूँ। इस सर्दियों के लिए तो खास पराठा है, पूरे सर्दियों में मेथी का पराठा खाया जाता है। मेथी बहुत गर्म साग होती है, इसलिए ज़्यादातर मेथी का साग आदमी खाते हैं। मेथी में बहुत विटामिन और बहुत शरीर के लिए फायदे पहुँच है, इसलिए मेथी का पराठा ज़्यादा पूरे सर्दियों में लोग खाते हैं। देखिए मैं देख रही हूँ एक साइड हो गया पराठा, इसको मैं उलट दे रही हूँ दूसरे साइड भी अच्छे से जैसे सीख जाएगा। तो मैं घी लगाऊंगी। अब देखिए मैं इस साइड देख रही हूँ, इस साइड पे देखिए हो चुका। अब मैं इसे घी लगा कर थोड़ा हल्का सा घी लेकर के पराठा बनाऊंगी। पराठा दोनों ही अलग अलग टेस्ट डिफरेंट टेस्ट लगता है। अगर इसको मेथी पत्ता को अगर पीस करके बनाइए तो उसका टेस्ट अलग लगता है, और मेथी पत्ता गूंथ करके बनाने से टेस्ट अलग लगता है। दोनों डिफरेंट टेस्ट के पराठा हैं और दोनों ही अच्छे लगते हैं खाने में। इसलिए आप आशा करती हूँ आप लोग बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सुबह के लिए नाश्ता के लिए बहुत अच्छा पराठा, और बहुत जल्दी बिना ताम झाम के बस मेथी पत्ता काटिए गूंथिए और संग में पराठे को बनाइए। अब देखिए गर्मा गर्म मेथी का पराठा बिल्कुल तैयार है, रेडी है। और ये सर्दियों के लिए खास पराठा है, मेथी साग तो जानती हैं आप, और ऑर्थोराइटिस पेशेंट के लिए शुगर के लिए बहुत अच्छे साग है। और ये सर्दी में खाई जाती है, और अचार के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ पराठा को आप खा सकती हैं। और आशा करती हूँ कि मेथी पराठा अपने घर में बना कर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से मैं नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।